सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं निर्मला अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल निर्मला अग्रवाल पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से। और दोस्तों मैं हुई हूँ तैयार हॉस्पिटल जाने के लिए। हॉस्पिटल जाना है मेरे को और मैं जा रही हूँ विशाल के साथ जा रही हूँ। और वहाँ हुआ है उसकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो हम लोग खाना लेके जा रहे हैं। दोनों मामी और भांजे दोनों जा रहे हैं तो दोस्तों चलते हैं, अभी मिलेंगे। तब तक बनी रहिए आप। और दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं घर से। ये देखिए ये है विशाल। विशाल के साथ जा रही हूँ मैं मार्केट मतलब हॉस्पिटल। तो चलते हैं। और सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। इतना ठंडा हो रहा है कि कुछ कहना ही नहीं हो रहा है। और दोस्तों देखो हम लोग पहुंच चुके हैं नैनी सैनी हवाई अड्डे के पास पे। यहीं से होके जाती है ये वाली रूट पिथौरागढ़ के लिए। और दोस्तों बस हम पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल के पास पे। और दोस्तों देखो बज गया है ना, हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में। और दोस्तों देखो हॉस्पिटल के अंदर जाने लग गए हैं हम लोग। विशाल चल रहा है आगे आगे और मैं हूँ विशाल के पीछे पीछे। और यहाँ पे खड़े हैं। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं अंदर और यहाँ पे सुई है ये। तो अभी हालत कल से थोड़ी ठीक है लेकिन बातचीत ज़्यादा करनी नहीं है क्योंकि बात करने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो उस वजह से मैं इसको ज़्यादा दिखाऊंगी नहीं। और मैं लाई हूँ इनके लिए खाना तो ये लोग खाएंगे, तब तक हम बाहर घूम के आते हैं। तो दोस्तों देखो ये है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का गार्डन देखिए कितना सुंदर बना रखा है, बहुत ही प्यारा। तो देखिए यहाँ एक से एक फूल दिख रहे हैं और यहाँ पे मछलियाँ भी हैं शायद। देखिए फूल भी बहुत ही सुंदर लगे हैं और केले का पेड़ भी है यहाँ पे। मछलियाँ हैं इसमें। तो एक बार देख के आते हैं मछलियाँ। तो दोस्तों अभी आ नहीं रही हैं, दिख नहीं रही हैं मछलियाँ। हाँ देखते हैं, हिलाते हैं, आती हैं मछलियाँ करके ऊपर। छिप गई हैं, छिप सारी की सारी भाग गई उसके नीचे। ये इसको हिलाने पे आ रही है मछलियाँ। ये देखिए सारी की सारी पहुंच गई हैं ये यहाँ। ये देखिए ये यहाँ पे चेयर भी रख सकती है, टेबल भी है बैठने के लिए, काफ़ी अच्छा है हॉस्पिटल का। ये गार्डन बहुत ही प्यारा लगा है। और दीदी यहाँ पे पौधों को दे रही है पानी और यहाँ से पिथौरागढ़ का व्यू भी बहुत सुंदर दिख रहा है।
ये देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से, क्योंकि ये है बिल्कुल टॉप पे। ये तो बहुत सारी आ गई आज, ये देखिए और दोस्तों देखो गार्डन में केले के पौधे भी हैं, ये देखिए बहुत सारे हैं। ये है फूल गुड़हल का और यहाँ पे है लीची का पौधा और ये बेल वाला पता नहीं क्या है, इसका नाम पता नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा गार्डन बना रखा है। और दोस्तों गमले भी फूल भी एक से एक है यहाँ पे, देखिए बहुत ही प्यारा साफ स्वच्छ बना रखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। और ये हॉस्पिटल एक व्यू पॉइंट पे भी है, मतलब यहाँ से बाहर का व्यू बहुत, पिथौरागढ़ का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है। और हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी है, तो मैं तो आई हूँ यहाँ 3-4 बार पहले आई हूँ। दोस्तों यहाँ से ऊपर नीचे यहाँ से पिथौरागढ़ का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है, ये देखिए। अभी टॉप वाले छत पे तो हम गए नहीं थे, वहाँ से तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखता। ये देखिए बहुत ही प्यारा लगा है। दोस्तों अब चलते हैं एक बार यहाँ, यहाँ मेरे को गमले मतलब फूल के पौधे जैसे दिख रहे हैं, एक बार देख के आते हैं कि है क्या यहाँ पे करके। वाव, यहाँ तो फूल ही फूल है, ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं, एक से एक फूल है। दोस्तों बज गया है 10:05 हो चुके हैं, हम लोग जाने लग गए हैं घर को। तो यहाँ से जाने के बाद मैंने जाना है बाउंड्री कटान में, पहले उससे पहले जाना है बिल ब्लॉक में, तो बिल ब्लॉक से लेके आना है मेरे को सामान। तो चलते हैं घर के लिए, हिला रहे हैं गाड़ी, ये देखिए। और दोस्तों देखो हम लोग आ गए हैं घर को और यहाँ से जाना है मेरे को बीड ब्लॉक में, बीड ब्लॉक से थोड़ा सामान भी लेना है और बीड ब्लॉक में मेरा काम भी है। और अभी है विशाल अपने पापा के साथ, तो अभी ये आ रहे हैं घर में, तो फिर मेरे को घर में छोड़ने के बाद शाम को खाना लेके फिर दोबारा से हॉस्पिटल आएंगे ये। मेरे को भी जाना है अभी बाउंड्री कटान में, तो चलते हैं घर के लिए, तब तक बनी रहिए आप मेरे साथ। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हुड़कन्ना में, अब यहाँ से वड्डा पहुंचने तक इतना ठंडा होता है कि इसका कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी है कि पाला वाला क्षेत्र है, गाड़ी ध्यान से चलाना करके। और यहाँ पे पाला अब जमता है तो जब गर्मियाँ शुरू होती है तभी पिघलता है। यहाँ हुड़कन्ना से लेके वड्डा तक का इतना ज़्यादा ठंडा होता है, मतलब 5 मिनट का रास्ता होगा हुड़कन्ना से वड्डा तक, और वड्डा पहुँचने तक हाथ पूरे और पूरे मुँह पूरा ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं वड्डा में, वड्डा में पहुँचते ही हमको मिल गए हैं मशक वाले भैया। मशक वाला कितना प्यारा लगा है, ये देखिए। और दोस्तों देखो क्लियर होगा कि आपने, ठंडा भी कितना ज़्यादा हो रहा है और हॉस्पिटल में भी गीता अभी बोलने के उसमें थी नहीं, तो
तो देख के आई हम कि कैसी हालत हो रही है उसकी। फिर भी कल से ठीक है आज, अब देखते हैं। कल जाना पड़ेगा तो कल और जाऊंगी मैं, नहीं तो उसके पापा जाएंगे। तो दोस्तों वो हर चीज़ का सामना भी औरत को ही करना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है। और भगवान, इतनी शक्ति तो आपने औरतों को दी है, इससे दुगनी शक्ति देना, क्योंकि वो हर मुश्किल का सामना कर सके, हर अपनी लड़ाई से जीत सके। तो दोस्तों अब मेरे लिए भी वॉन्ड्री के लिए भी देर हो रही है, तो मैं अब वीडियो की समाप्ति भी यहीं पे कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।